आजादी की लड़ाई के प्रमुख नायकों में से एक रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय को इस वीडियो में हम देखेंगे। आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू से बेहद प्यार करते थे और उतना ही प्यार पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से था, और यही वजह है कि 14 नवंबर उनकी जन्म तिथि को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को आज के इस भारत में भी पढ़कर आने वाले समय के विकास की रणनीति बनाई जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो को ध्यान से देखकर उनके जीवन से शिक्षा लेने का प्रयास कीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू का शुरू से ऐसा विचार था कि अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दी जाए, और यही कारण था कि विश्व के प्रसिद्ध स्कूलों और कॉलेजों में नेहरू जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपने लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी करी। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए, जिसमें वहां के समाजवाद और राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू सन 1912 में भारत वापस लौट करके आए और उन्होंने वकालत की शुरुआत करी। उनका ध्यान भी स्वतंत्रता संग्राम की तरफ गया और महात्मा गांधी के चल रहे गतिविधियों में उनकी रुचि बढ़ी। सन 1919 में वो महात्मा गांधी के साथ हो लिए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 1919 में हुई, जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। नेहरू ने महात्मा गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया। जवाहरलाल और मोतीलाल नेहरू ने पश्चिमी कपड़े और महंगी संपत्ति को त्याग कर दिया। वे अब खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। कुछ महीने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का मुखिया चुना गया। समय ऐसा था जब पूरे देश में पूर्ण स्वराज की मांग करी जा रही थी। नेहरू ने भी देश की सुनी और 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का मांग करते हुए सर्वप्रथम तिरंगा झंडा लहराया। सन 1942 में नेहरू जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उठाया, जो बात ब्रिटिश सरकार को पसंद ना आई। उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। उनके इस बहादुरी के कार्य ने पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की एक आग सी फैला दी। कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के काफी करीबी दोस्त थे और दोनों में पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे। ये भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी के कहने पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रधानमंत्री बनने का दायित्व उठाया था। वहीं पंडित नेहरू महात्मा गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे। पंडित नेहरू को महात्मा गांधी जी के शांतिपूर्ण आंदोलन से एक नई सीख और ऊर्जा मिलती थी। यही वजह है कि महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनके हर आंदोलन में उनका साथ देते थे, लेकिन नेहरू जी की राजनीति के प्रति धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी जी के धार्मिक और पारंपरिक नजरिए से थोड़ा अलग था। दरअसल गांधी जी प्राचीन भारत के गौरव पे बल देते थे, जबकि नेहरू जी आधुनिक विचारधारा के थे। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ उनपे बहुत सारे दायित्व सौंपे गए उन्हें। जहां सबसे बड़ा जो दायित्व था वो ये था कि भारत को इस आधुनिक काल में विश्व स्तर पे कैसे इसको अपनी पहचान दी जाए। जहां विज्ञान प्रौद्योगिकी में पूरा विश्व आगे बढ़ रहा था,
जर्मनी और अमेरिका जैसे देश तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे, दायित्व ये था कि भारत को उस स्तर पे कैसे लेकर के आया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें बहुत माहिर थे, उन्होंने खुद की शिक्षा इसी परिपेक्ष में करी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों में पढ़कर भारत वापस लौटे थे, वहां के स्तर को बखूबी समझते थे और उसके इम्पोर्टेंस को भी वो जानते थे कि शिक्षा एक बार अच्छी कर दी जाए तो किस तरीके से समाज निर्माण में वो अहम भूमिका निभाती है। यही देखते हुए उन्होंने IIT जैसे संस्थानों की नींव रखी। जब वो प्रधानमंत्री थे, इस तरीके के कई सारे इंस्टीट्यूट खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए, जिससे भारत में भी उस तरीके की तकनीक विकसित होने शुरू हो गए, उस तरीके के मेडिकल हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी निकल करके आई। और यही कारण है कि कहा जाता है पंडित नेहरू आधुनिक भारत के पक्षधर थे, इसीलिए उन्होंने आधुनिक सोच पर भारत की मजबूत नींव का निर्माण किया और शांति एवं संगठन के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की रचना की। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पंडित नेहरू ने देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किए, इसके साथ ही उन्होंने मजबूत राष्ट्र की नींव रखी, भारत को आर्थिक रूप से मजबूती भी देने में उनका अहम भूमिका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान राजनेता तो थे ही थे, उसके साथ साथ कमाल के वक्ता थे और उतने ही कमाल के लेखक। अपने जीवन में उन्होंने कई किताबें लिखी जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। प्राचीन भारत से स्वतंत्रता संग्राम तक पूरे भारत को समझने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी लिखी किताब आज भी बहुत प्रसिद्ध है और हर विद्यार्थी उसे पढ़ने के लिए इच्छुक होता है। इसी तरीके के विश्व हिस्ट्री को भी उन्होंने बखूबी लिखा है और ये भी काफी ग्लोबली पूरे विश्व स्तर पर बेहद प्रसिद्ध किताब मानी जाती है। उनके कलम से लिखी हुई हर शब्द सामने वाले पर गहरा असर डालती है और इसके साथ ही लोग उनकी किताबें पढ़ने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। उनकी आत्मकथा भी 1936 में प्रकाशित की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का चीन के साथ संघर्ष के थोड़े वक्त बाद ही स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। इसके बाद उन्हें 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति के वो चमकते सितारे हैं जिनके इर्द गिर्द आज भी भारत की राजनीति घूमती है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनकर पूरे भारत को उन्होंने गौरवान्वित किया है और पूरा देश उन पर नाज करता है और उन्हें उनके जन्म दिवस पर नमन करता है। धन्यवाद।